हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बड़े पंडित पूर्ण वचन कर रहा है तू, उसका मतलब ये हुआ शरीर से जुड़े हुए आप जितने भी वचन बोलते हो प्रभु जी, वो पंडित पूर्ण लगते हैं परंतु होते नहीं। His body is only there. It is only a vehicle for the soul. ये आत्मा केवल आत्मा का एक यान है, और उस यान का सिर्फ एक और एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से वो आत्मा के जो उसका जर्नी है, जो उसकी यात्रा है, उस यात्रा पे सहायक हो सके। ध्यान रखिए, इसका और कोई लक्ष्य नहीं, अच्छा कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए हम उस यान को ठीक रखते हैं कि वो बेसिकली हमारी आत्मा को आगे तक पहुंचने के लिए हेल्प करे। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो गाड़ी के अंदर ट्रेवल करेगी, हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प नहीं करेगी, अपने गोल तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प नहीं करेगी, हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसी तरीके से हम तमोगुणी रजोगुणी वस्तु नहीं डालते इसके अंदर, किसी इंद्रियों से भी। ध्यान रखिएगा, आप कई बार सोचते तमोगुणी रजोगुणी बोला, एकदम आपको प्याज लहसुन मीट मच्छी अंडा नजर आने लग गया। नहीं नहीं नहीं, ये सारे इंद्रियों के आहार अपने अपने हैं, सारे इंद्रियों के आहार अपने अपने हैं। हम किसी इंद्रियों के आहार से तमो रजोगुण नहीं जाने देंगे और सतोगुण का भी चक्कर दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि सतोगुण प्योर मिलता ही नहीं है जब तक कि वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। एनी एक्ट, कोई भी कार्य जो हमें भगवान की याद ना दिलाए, जो भगवान की सेवा में ना लगाए, वह हमारे हीन है, तज्य है। कई बार परिवार करेंगे, अरे अरे फिर हम तो कई बार सोचते हैं बच्चों के बारे में, अरे बच्चे के बारे में ये सोच के एक आत्मा आई है मेरे पास, इनको कृष्ण भक्त बनाया है। सोच सही हो गई गड़बड़ हो गई बताइए, कैसे बनाऊंगा? कई बार हम कहते हैं हम तो भक्त है नहीं, बच्चे को कैसे बनाएंगे? नहीं, गरीब माता पिता भी अपने बच्चे को रईस बनाने की सोचते नहीं सोचते, अज्ञानी माता पिता भी अपने बच्चों को ज्ञानी बनाना की सोचते हैं, परंतु उसके लिए फिर उसको सारा जानने की कोशिश करते हैं ज्ञानी व्यक्तियों से कि कैसे ये ज्ञानी बन सकता है, इसे कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनसे राय लेते हैं। तो हमें शास्त्रों से राय लेनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, परंतु शास्त्र में प्रॉब्लम यह आती है कि वो तमो रजो और सत्वगुण में और शुद्ध सत्वगुण में है। ओहो, हमें चाहिए शुद्ध सत्वगुण, कौन निकाल के देगा उसमें से? क्योंकि शास्त्रों में तो ये भी आता है कि ये टंटा कर ले और ये मिल जाएगा, नहीं आता? अरे ये भी तो शास्त्रों में है, बड़ा डिफरेंस है तमो रजो सत्व और शुद्ध सत्वगुण में, इनमें डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? क्वालिटी। नहीं कहते आप कई बार चीजें खरीदने जाते हो, एक ही चीज, एक ही वस्तु, माइक हुआ उदाहरण, कि ये जी ये लोअर क्वालिटी का 800 रुपए का है, ये उससे हायर क्वालिटी का है 1500 रुपए का, ये प्रभु जी उससे भी हायर क्वालिटी का 6000 रुपए, मतलब बेस्ट क्वालिटी जो है 30000 की आ रही है। ग्रेडेशन तो यहां भी है क्वालिटी की, उसी प्रकार का आउटपुट मिलेगा आपको। आज 30000 का माइक होगा और एक 800 रुपए का माइक होगा, क्वालिटी आउटपुट सेम होगा? कैसे होगा? इसी तरीके से अगर आप तमोगुण का तो आपने इनपुट लिया और आउटपुट देना चाहते हो शुद्ध सत्व का, कैसे दोगे बताइए? आप मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो आपको हर इंद्रियों से इनपुट क्या लेना पड़ेगा प्रभु जी? योर इनपुट हैज टू बी शुद्ध सत्वगुण। और शुद्ध सत्वगुण में कैसे आएंगे? भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है वो तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए जब आप उनसे कनेक्ट करते हो तो क्या होता है प्रभु जी? उनसे कनेक्ट कैसे होते हो? सेवा से। किससे होते हो?
प्रेममयी सेवा। इसी तरीके से आपको जब 800 की जगह 30,000 रुपए का अगर आपको माइक चाहिए तो आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पैसे से। क्या कनेक्शन किससे है? पैसे से। इसी तरीके से हमारा पैसा क्या है कनेक्ट करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा का इच्छा, दैट इज